पानी की शुरुआत सन 2040 से होती है। मंगल ग्रह पर 8 इंसानों को 6 महीने के एक मिशन पर भेजा गया है और इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाना है, जिसके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेशन बनाया गया था जो कि 8 इंसानों को अगले 6 महीने तक जिंदा रख सकता था। खैर, अब इन लोगों को मंगल ग्रह पर 5 महीने 29 दिन और 5 घंटे हो चुके थे और अगले 19 घंटों में इन्हें मार्स से टेक ऑफ करना है, क्योंकि मार्स के ऑर्बिट में ही एरोरा नाम का एक शिप था जिससे कि इनका लैंडर जुड़ जाता। लेकिन इनके यहाँ से जाने से पहले इनके साथ कुछ बुरा हो जाता है जो कि हम इस कहानी में आगे जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम 2 साइंटिस्ट वेंसेंट और रेवेका को एक रोवर में देखते हैं। इन लोगों को यहाँ पर 6 महीने हो चुके थे और इनके साथ जो बाकी वैज्ञानिक थे उनका काम यहाँ पर सैंपल इकट्ठा करना था जिससे ये पता चल सके कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या अभी भी है। पिछले 6 महीनों में इन लोगों ने अलग अलग जगह से सैंपल लिए लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला और ये इनके लिए काफी दुख की बात थी क्योंकि सरकार का इस मिशन को करने में बहुत खर्चा हो गया था और अब मिशन का समय भी पूरा हो चुका था। अगले 19 घंटे में ये लोग यहाँ से जाने वाले थे। सभी लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि इनके पिछले 6 महीने यहाँ काफी परेशानी से गुजरे थे, क्योंकि इस बात का पता हमें विंसेंट और रेबेका की बातों से लगता है। खैर, अब ये दोनों रोवर में ही होते हैं कि तभी एक भयानक रेत का तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रोवर को ये सब सहने के लिए बनाया गया था इसलिए कोई चिंता की बात नहीं थी। खैर, अब तूफान के रुकने के बाद ये लोग किम नाम के एक बायोलॉजिस्ट को लेने के लिए जाते हैं और वो काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे मार्स पर कुछ भी नहीं मिला था। खैर, अब वो एक आखिरी बार ड्रिलिंग करती है लेकिन इस बार भी सैंपल में कुछ नहीं मिलता और अब इसीलिए वो रोवर में आ जाती है। विंसेंट उससे मजाक में कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो और अब ये लोग अपना स्टेशन की तरफ सफर शुरू करते हैं जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। स्टेशन से ये लोग लगातार संपर्क में थे और इन्हें पता लगता है कि स्टेशन का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है और उसे रिपेयर करने के लिए विंसेंट को वहां पर जाना था। दरअसल विंसेंट एक इंजीनियर था और वो रोवर को भी अपग्रेड किया करता था। इसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बाकी क्रू को देखते हैं। चार्ल्स जो कि इनका कैप्टन था, लोरेन जो कि डॉक्टर थी, एक रशियन और मार्गो जो कि एक बायोलॉजिस्ट था और इनके अलावा रॉबर्ट और रिचर्ड भी थे और हर कोई अपने काम में अच्छा था। ऑर्बिट में अरोरा नाम का एक शिप था, ये लगातार उसके कॉन्टेक्ट में थे क्योंकि अगले 19 घंटों में उन्हें यहाँ से टेक ऑफ करना था। खैर, अब कुछ देर के बाद मार्गो कैप्टन के पास आता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि मेरा लगाया हुआ एक सेंसर खराब हो चुका है और मुझे उसे ठीक करना ही होगा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैप्टन कहता है कि इसके लिए टाइम नहीं है, हमें कुछ ही घंटों में निकलना होगा, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन मार्गो कहता है कि सर मुझे इसे ठीक करना ही होगा और किसी तरह से वो कैप्टन को मना लेता है। लेकिन वो उसे अकेले नहीं भेजता और रिचर्ड को भी उसके साथ भेजता है कि अंधेरा होने से पहले यहाँ पहुँच जाना और ये जगह सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मार्गो और रिचर्ड जब तैयार होकर यहाँ से निकल रहे थे ठीक उसी समय पर विंसेंट, रेबेका और किम स्टेशन में पहुँचते हैं। किम उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन मार्गो उससे कुछ नहीं बताता और रिचर्ड को लेकर वो स्टेशन से निकल जाता है। रेबेका कहती है बस 19 घंटे हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा। दूसरी तरफ मार्गो और रिचर्ड जब रोवर में थे तो मार्गो उससे बताता है कि मैंने झूठ बोला, असल में मुझे कुछ मिला है लेकिन ये बात मैंने अभी तक बाकी सबको नहीं बताई है, इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा करो। दूसरी तरफ विंसेंट स्टेशन में कूलिंग सिस्टम को ठीक करता है। फिर किम और कैप्टन की बहस हो जाती है और किम इसी चीज पर बहस कर रही थी कि मार्स पर 6 महीने बिता लेने के बाद भी उससे कुछ नहीं मिला। उसे मार्गो पर भी शक था इसलिए वो उसकी इजाजत के बिना उसकी लैब रिसर्च देखने लगी। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसकी लैब रिसर्च में सिंगल सेल बैक्टीरिया था जिसका सेल्फ डिवीजन हो रहा था, यानी कि उन्हें एक तरह से मंगल ग्रह पर जीवन का सबूत मिल चुका था। अब क्योंकि मार्गो ने ये बात सबसे छिपाई थी इसलिए स्टेशन में ये बहस होती है कि अब ये लोग क्या करें। किम काफी गुस्सा थी कि मार्गो ये क्रेडिट खुद लेना चाहता था लेकिन हम सब इसके हकदार हैं। कैप्टन कहता है कि ये सब हमें मिशन कंट्रोल को बताना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो मार्गो और रिचर्ड को संपर्क कर पाता, रिचर्ड अकेले ही रोवर में था। मार्गो उसी ड्रिलिंग वाली जगह पर जा चुका था। वो कैप्टन से बात नहीं करता और वो एक सैंपल को निकालता है और रिचर्ड से कहता है कि बातें बंद करो और जल्दी से कैमरा ले आओ। लेकिन तभी वहाँ के पत्थर टूट जाते हैं और देखते ही देखते मार्गो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर रिचर्ड जल्दी से रोवर से बाहर आता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो ये खबर स्टेशन को भेज देता है। थोड़ी देर के बाद कैप्टन और लोरिन उस जगह पर आते हैं। रिचर्ड वहाँ परेशान बैठा था। लोरिन उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन इसमें रिचर्ड की कोई गलती नहीं थी। गड्ढा काफी गहरा था, उसमें से धुआं भी निकल रहा था और मार्गो उन्हें कहीं नजर नहीं आता। कैप्टन लोरिन से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मुझे स्टेशन में वापस जाना होगा और तुम बिल्कुल भी रोवर से बाहर मत निकलना क्योंकि मैं 2 लोगों को नहीं खो सकता। अब रिचर्ड को लेकर कैप्टन स्टेशन में आते हैं और मिशन कंट्रोल से संपर्क करके पूछते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मिशन कंट्रोल से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि अगर हो सके तो मार्गो की बॉडी को उस गड्ढे से बाहर निकालो और खुद को तैयार करके वापस पृथ्वी पर लौट आओ। कैप्टन विंसेंट और रेबेका को अपने साथ लेकर उस हादसे वाली जगह पर आता है।
है। लेकिन इन लोगों के आने से पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोरेन को कुछ अजीब लग रहा था, तो उस गड्ढे के नजदीक आती है और उसे ऐसा रियलाइज होता है जैसे कि कोई रोवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमें आगे नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ। खैर, अब कैप्टन और बाकी लोग उस जगह पर आते हैं तो वहाँ पर लोरेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो रोवर को भी चेक करते हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, और उसके कदमों के निशान का पीछा करते हुए ऐसा लग रहा था मानो वो गलत दिशा में चली गई। अब क्योंकि टाइम कम था इसलिए विंसेंट को रस्सी के सहारे नीचे भेजा जाता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा था उसे अजीब से विजन आ रहे थे। फिर सतह पर पहुंचने पर उसे बड़ी अजीब आकृतियां नजर आती हैं। वो उन्हें डिस्क्राइब तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसे कुछ होने लगता है तो कैप्टन और रेबेका उसे ऊपर खींच लेते हैं। वो कहता है कि नीचे मार्को की लाश नहीं है, स्टेशन में सिर्फ किम और रिचर्ड ही थे। तभी उनके सिस्टम से पता लगता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। एयरलॉक खुलता है और जब रिचर्ड देखने गया तो वो मार्को था। उनके स्पेस सूट के हेलमेट में छेद हो चुका था। अब जैसे ही वो उसका हेलमेट उतारता है वो देखता है कि उसका चेहरा बदल गया है। वो किसी राक्षस की तरह लग रहा था। ये देखकर रिचर्ड को बिल्कुल यकीन नहीं होता, वो काफी घबरा जाता है। मार्को एक ड्रिल हाथ में लेता है लेकिन रिचर्ड उसे रोकता है, तो वो ज़ॉम्बी मार्को उसी ड्रिल से रिचर्ड में छेद कर देता है। किम जब ये शोर सुनती है तो वो देखने के लिए आती है और ये भयानक नजारा देखकर वो भी काफी डर जाती है। अब मार्को उसे भी मारने के लिए बढ़ रहा था लेकिन जख्मी रिचर्ड इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। कैप्टन और बाकी लोगों को पता लग चुका था कि स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रोवर में बैठ जाते हैं और इस तरफ आने लगते हैं। अब थोड़ी देर में स्टेशन में लोरिन भी पहुंच जाती है जो कि खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, क्योंकि लोग किसी अनजान वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। इनमें काफी शक्ति आ गई थी और अब इनके चेहरे भी बदल चुके थे और अब ये इंसान नहीं रहे। किम अपने आप को बचते बचाते एयरलॉक का दरवाजा बंद कर देती है। कैप्टन जब यहाँ आते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान थे, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। और ये लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके थे इनमें अभी भी काफी दिमाग था, इन्हें एयरलॉक को खोलना आता था, बल्कि सिस्टम को भी समझने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद किम और कैप्टन स्टेशन से निकलने का फैसला करते हैं। किम तो निकल जाती है लेकिन कैप्टन पर हमला हो जाता है। खैर, अब कुछ देर के बाद कैप्टन बाहर तो निकल आते हैं लेकिन वो जख्मी हो चुके थे। किम स्टेशन के डोर को खराब कर देती है ताकि वो ज़ॉम्बी बाहर ना सके। अब रिचर्ड और रेबेका काफी हैरान भी थे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे ये लोग इतना डर रहे हैं। किम गुस्से में विंसेंट से कहती है कि जो मैंने देखा अगर तुमने देखा होता तो तुम मुझसे ये सवाल ना करते। और इसलिए जब विंसेंट दूसरी तरफ देखता है तो उसे अपने ही क्रू के लोगों के भयानक चेहरे नजर आते हैं। कैप्टन जख्मी हो चुका था और पास ही में एक दूसरा स्टेशन था इसलिए ये लोग वहां जाते हैं। किम कहती है कि वो लोग मर के भी जिंदा थे, वो हिल रहे थे, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। कैप्टन काफी परेशानी में थे क्योंकि उन्हें भी काट लिया गया था। किम कहती है कि ये भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद कैप्टन की भी डेथ हो जाती है। किम उसे बांध देती है। बाकी लोग उससे कहते हैं कि ये सब सही नहीं है लेकिन किम जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। कैप्टन की मौत से ये लोग काफी दुखी थे और अब इनके निकलने में कुछ ही घंटे बाकी थे कि तभी ये हादसा हुआ, उनके चार लोग मारे गए थे। अब इन्हें हेल्प की जरूरत थी, कॉन्टेक्ट के लिए इन्हें स्टेशन वन में जाना था लेकिन वहां पर वो ज़ॉम्बीज थे। एक पाइपलाइन जो कि स्टेशन वन को स्टेशन टू से जोड़ती है। विंसेंट कहता है कि अगर किसी तरह से मैं उनसे बचकर सिस्टम तक पहुंच गया तो मैं मदद के लिए मैसेज भेज सकता हूँ और तब तक हमें यहीं पर वेट करना होगा। अब इतने में ही स्टेशन वन में धमाका होता है, उन चीजों ने डोम को बर्बाद कर दिया था और वो बाहर निकल चुके थे और दूसरी तरफ कैप्टन की लाश भी हिलने लगी थी। खैर, किसी तरह से विंसेंट उस पाइपलाइन से स्टेशन वन में जाने की कोशिश कर रहा था। विंसेंट जब उस गड्ढे में उतर रहा था तब भी उसे कुछ अजीब विजन आए थे जिसमें वो खुद को अरोरा स्पेसशिप में देख रहा था। और अब फिर से ऐसा होता है, आज से पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। शायद उस गड्ढे में जाने के बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ है। खैर, वो स्टेशन वन में पहुंच जाता है और अरोरा शिप से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है और आखिर में वो बस यही संदेश भेजता है कि यहाँ एक इमरजेंसी आ गई, जिसके बाद स्टेशन की पावर ही चली जाती है। वहाँ स्टेशन डोम में हर तरह के केमिकल और एंटीबायोटिक्स थे इसलिए रेबेका और किम इस बीमारी का इलाज ढूंढने लगे। और यहाँ पर उनके पास एक अच्छा सब्जेक्ट भी था जो कि कैप्टन था, जो कि फिर से जिंदा हो गया था। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बाद वो तड़पने लगता है और बाद में वो शांत हो जाता है, जिससे लगता है कि शायद ये सीरम काम कर रहा है। और इनका प्लान ये था कि ये लोग बाकी के इन्फेक्टेड लोगों पर स्प्रे करेंगे जिससे कि वो या तो ठीक हो जाएं या फिर मर जाएं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपने इस प्लान पर काम करते कि इन्हें एयरलॉक से आवाजें आती हैं। असल में अब इनके इन्फेक्टेड साथी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये जो वायरस था ये किसी पैरासाइट की तरह अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करा सकता था, जैसे कि एयरलॉक कैसे खोलना है या बाकी के साथी कहां छिपे होंगे। वहीं स्टेशन
में इन्फेक्टेड रिचर्ड भी विंसेंट पर हमला कर देता है, इसलिए वो खुद को बचाते हुए किसी तरह से पाइपलाइन के जरिए स्टेशन 1 में आता है। विंसेंट बाकी सबसे कहता है कि पाइप को जल्दी सील करो, लेकिन इससे स्टेशन की ऑक्सीजन भी बंद हो जाती, इसलिए ये लोग जल्दी से अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। अब कैप्टन भी उठ चुका था और इन लोगों पर हमला होता है, और इस हमले में रेबेका भी जख्मी हो जाती है। अब एयर लॉक से ये लोग जैसे ही बाहर जा रहे थे, किम को थोड़ी देर हो जाती है। रॉबर्ट दरवाजा बंद कर देता है और वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि रॉबर्ट को अपनी जान की पड़ी थी। अब इसके बाद ये तीनों रोवर में बैठ जाते हैं। इन्हें पता था कि लैंडर कहां पर लैंड करने वाला है, मगर इनके पास इतनी पावर नहीं थी। अब रास्ते में ही एक स्टेशन आता है जहां से लोग पावर लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में विंसेंट रेबेका को इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो सकती थी। विंसेंट पावर से लेने के लिए स्टेशन में जा रहा था, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन बाहर जाकर वो वापस नहीं आता और विंसेंट को रेडियो पर बता देता है कि तुम भी वहां से जल्दी निकलो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो। हम दोनों ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल वो रेबेका के बारे में बात कर रहा था। रेबेका जब ये बात सुनती है तो उससे बहुत दुख होता है। हालांकि ये बात भी सच थी कि रेबेका जल्द ही उन आदमखोरों में बदल जाएगी, लेकिन वो ऐसा तो नहीं चाहती थी। विंसेंट उसे फिर भी अकेला नहीं छोड़ता। वो खुद बैटरीज लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रेत का तूफान आ जाता है, इसलिए वो वापस रोवर में आ जाता है। रेबेका उससे पूछती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो विंसेंट कहता है कि हम लोग सुबह होने का इंतजार करेंगे, ये रोवर सूरज से चार्ज हो जाएगा और हमारे पास टाइम भी होगा लैंडर तक पहुंचने के लिए। रेबेका यहाँ पर काफी इमोशनल होकर कहती है कि उसने अपने अंत के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब अगले दिन जब विंसेंट की आंख खुलती है तो पाता है कि रेबेका रोवर से बाहर जा चुकी थी। विंसेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए उसने ऐसा किया था, लेकिन विंसेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वो उस तक पहुंच जाता है। वो उसे रोवर में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी, रेबेका बदल चुकी थी। वो विंसेंट पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। वो विंसेंट से भीख मांगती है कि प्लीज तुम मुझे मार दो, और इतने में ही लैंडर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इसलिए जब विंसेंट उन तक पहुंचता है, इन्फेक्टेड क्रू ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था, सभी लोग मारे जा चुके थे। विंसेंट उस लैंडर में जाता है, देखता है कि रॉबर्ट वहाँ पर पहले से मौजूद है, लेकिन अब वो भी इन्फेक्टेड था। वो घर जाने की बात कह रहा था, उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। वो विंसेंट पर हमला कर देता है, और अब लैंडर ने भी अपनी उड़ान भर ली थी। विंसेंट रॉबर्ट को तो मार देता है, और अब वो ऑर्बिट में पहुंच चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अरोरा शिप वहां पर नहीं था। वो एक आखिरी संदेश भेजता है कि मंगल ग्रह पर उनका सामना एक अनजान वायरस से हुआ, जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए, और मुझे शक है कि शायद मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं लैंडर को मार्स पर ही क्रैश कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग मदद भेज देना, और मैं इस मिशन का आखिरी बचा इंसान हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।